أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आज का हमारा टॉपिक वालिदैन की दुआओं का असर कैसे होता है, अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन की दुआओं में कैसे असर रखते हैं और किस तरीके से हर काम पूरे होते हैं, हर मुराद पूरी होती है और तकदीरें बदल जाती हैं। अल्लाह ताला ने एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि समंदर के किनारे जाएं और कुदरते इलाहिया का जायजा लें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मुसाहबीन के साथ तशरीफ ले गए मगर इन्हें कोई ऐसी शय नजर नहीं आई। आपने एक जिन को हुक्म दिया कि समंदर में गोता लगाकर अंदर की खबर लाओ। जिनका नाम अफरीत था, अफरीत ने गोता लगाया मगर कुछ ना पाया और वापस आकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने गोता लगाया मगर समंदर की तह तक नहीं पहुंच सका और ना कोई शय नजर आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे भी ज्यादा ताकतवर जिन को गोताखोरी का हुक्म फरमाया मगर वो भी नामुराद वापिस आया और आते ही सेम वही बात कही कि मुसाफत के अंदर तक गया लेकिन कुछ ना पाया। अब आपने अपने वजीर आसफ बिन बरहिया को समंदर में उतरने का हुक्म दिया। उन्होंने थोड़ी देर में एक सफेद कफूरी कुबाल लाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिदमत में हाजिर किया जिसमें चार दरवाजे थे, एक दरवाजा मोती का, दूसरा याकूत का, तीसरा हीरे का और चौथा जमुर्द का। चारों दरवाजे खुले हुए होने के बावजूद अंदर समुंदर के पानी का एक कतरा भी दाखिल ना हुआ था, हालांकि कुबा समुंदर की तह में से मिला था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुलाहजा फरमाया कि इसके अंदर एक खूबसूरत नौजवान साफ सुथरे कपड़े पहने हुए नमाज में मशगूल है। आप कुबा के अंदर तशरीफ ले गए और इससे सलाम करके दरियाफ्त फरमाया कि इस समंदर की तह में तुम कैसे पहुंच गए। उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप माजूर थे और मेरी माँ नबीना थी, मैंने इन दोनों की 70 साल तक खिदमत की। मेरी माँ का जब इंतकाल होने लगा तो उसने दुआ की, खुदावंद अपनी अताअत में मेरे फर्जंद को उम्रे दराज अता फरमा। इस तरह जब मेरे माँ बाप का विसाल होने लगा तो उन्होंने दुआ की, परवरदिगार मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत में लगा जहाँ शैतान का दखल ना हो सके। मैं अपने वालिद को दफन करके जब इस साहिल पर आया तो मुझे ये कुबा नजर आया, इसकी खूबसूरती का मुशाहदा करने के लिए मैं इसके अंदर चला गया। इतने में एक फरिश्ता वारिद हुआ और उसने कुबा को समंदर की तह में उतार दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे दरियाफ्त किया, तुम किस जमाने में यहाँ आए। नौजवान ने जवाब दिया, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि इसे 2000 साल हो गए हैं मगर वो अब तक बिल्कुल जवान है और इसका बाल भी सफेद नहीं हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम वहां खाते क्या थे। नौजवान ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, एक सब्ज परिंदा रोजाना अपनी चोंच में सर बराबर की एक जर्द चीज लेकर आता है, मैं इसे खा लेता हूँ और इसमें दुनिया की तमाम नेमतों का लुत्फ होता है, इससे मेरी भूख भी मिट जाती है और प्यास भी रफा हो जाती है। इसके अलावा गर्मी, सर्दी, नींद, सुस्ती, गनूदगी और नामूसी, वहशत, ये तमाम चीजें मुझसे दूर रहती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम
हमारे साथ बैठना चाहते हो या तुम्हें तुम्हारी जगह पहुंचा दिया जाए? नौजवान, मुझे मेरी ही जगह भिजवा दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत आसफ बिन बरहया को हुक्म फरमाया तो उन्होंने कुबा उठाकर फिर समंदर की तह में पहुंचा दिया। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुहातब करके फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे, देखो वालदैन की दुआ कितनी मकबूल होती है, लिहाजा उनकी नाफरमानी से बचो। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की दुआ से उस इंसान को कहां से कहां पहुंचा दिया और उसकी उम्र दराजी इतनी कि रश्क आए, हजारों साल के बाद भी जवानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, एक बाल बराबर भी सफेद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने वालिदैन की अताअत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें वालिदैन की नाफरमानियों से बचाए और अल्लाह तबारक व तआला सब पर अपनी खास रहमत करते हुए, अपना खास कर्म करते हुए वालिदैन की हिदमत करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।